बहुत सारे केसेस में वाइब्रेशन, बहुत सारे केसेस में हम लोगों को वाइब्रेशन महसूस हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे में नहीं हुआ होगा। ऑल दीज वाइब्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू द मॉलिक्यूल इन द एयर, और ये सभी वाइब्रेशन मॉलिक्यूल एयर में भी, सॉरी, ऑल दीज वाइब्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट टू द मॉलिक्यूल इन द एयर एंड साउंड इज प्रोड्यूस। और ऐसा ही वाइब्रेशन जो है एयर के मॉलिक्यूल में भी प्रोड्यूस होता है। यू माइट हैव सीन व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इनटू द काम वाटर ऑफ ए लेक, वेव्स आर जनरेटेड एंड दे रीच अप टू बैंक्स ऑफ द लेक। आपने कभी देखा होगा कि जब स्टोन हम लोग पानी लेक के वाटर में थ्रो करते हैं, उस टाइम वेव्स जनरेट होती है और वो बैंक उस लेक के बैंक्स तक पहुंचती है, उसके किनारों तक पहुंचती है। वाइब्रेशन रीच आवर ईयर्स थ्रू द एयर इन द सिमिलर वे व्हेन साउंड इज हर्ड, और उसी तरीके से जो वेव्स होती है वो एयर के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचती है और हम उसको सुन पाते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हेन अ सिंगर ट्यून्स द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिफोर ही स्टार्ट सिंगिंग, व्हाट एग्जैक्टली डज ही डू? ही इंश्योर्स दैट द तानपुरा विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड नोट्स बाई एडजस्टिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज ही ट्यून्स द तानपुरा। ए तबला प्लेयर ट्यून्स द तबला बाई हैमरिंग द पेक्स टू एडजस्ट द टेंशन इन द डायफ्रेम ऑफ द तबला। हारमोनियम अकॉम्पनिस्ट फाइंड आउट फॉर बिफोर हैंड दैट की इन विच द सिंगर विल सिंग। द ट्यून एंड इंस्ट्रूमेंट इज द एडजस्ट हाउ हाई और लो पिच ऑफ द नोट्स प्रोड्यूस विल बी। द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन इट्स फ्रिक्वेंसी। इन द इंडियन म्यूजिक द म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा दा नी आर ऑफ द इंक्रीजिंगली हायर पिच। इन साइंटिफिक टर्म्स फ्रिक्वेंसी इज द मेजर ऑफ द पिच। यू हैव लर्न हाउ साउंड इज जनरेटेड एंड हाउ इट रीचेस अस ऑन ट्रेवलिंग थ्रू सम मीडियम एंड इज हर्ड बाय अस। You have also seen that vibration of an object is necessary for generation of sound. आपने ये भी पढ़ा है कि vibration जरूरी है sound के production के लिए। If the present lesson, sorry, in the present lesson we will learn more about the vibration pitch, intensity and level of the sound. तो 3,000 भरे थे, 13,500 बाकी है। तो बोलो क्या बना है? उसके बाद में भी मांगने हैं वो। अच्छी है तब तो की बहुत ही वर्कशीट मांगने हैं। वर्कशीट मांगने तो क्या करना है? वो कुछ सकते हैं क्या करना है? Okay, now see, you have learned all that thing that yes, vibration in the object is must for generation of the sound. Now in this lesson we will learn more about the vibration, pitch, intensity and level of the sound. इन चीजों के बारे में अभी स्टडी करेंगे हम लोग कि पिच क्या है और इंटेंसिटी क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। When the string of the musical instrument such as tanpura is plucked, the string can be seen to vibrate, but the two ends of the vibrating strings are still. अब जब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तनपुरा है उसको जब हम प्लग करते हैं तो स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट होती है, लेकिन उसके दो जो एंड्स होते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के वो रुके हुए रहते हैं। As it vibrates, the string moves to one end of the central position.
स्ट्रिंग जब मूव होता है तो वो अपने सेंट्रल पोजीशन की एक साइड मूव होता है एंड कम बैक टू द सेंट्रल पोजीशन और उसके बाद में अपनी सेंट्रल पोजीशन पे आ जाता है। दिस मोशन ऑफ स्ट्रिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एट द फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, सच मोशन इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। अब ये जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होता है और सच मोशन इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। ऑलवेज रिमेंबर, साउंड इज जनरेटेड बाय द रिदमिक वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी कैन हियर साउंड एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, बट व्हेन वी टच द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विद आवर हैंड द वाइब्रेशन स्टॉप्स एंड वी नो लॉन्गर हियर द साउंड। जब हम किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो उसका वाइब्रेशन स्टॉप हो जाता है और तब तक हमको साउंड सुनाई देता है। जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप होता है तो उसका साउंड क्या है, जनरेशन स्टॉप हो जाता है। सम टाइम वी कैन सी द वाइब्रेशन बट सम टाइम द वाइब्रेशंस आर सो माइन्यूट दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर आइज। तो कुछ ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम वाइब्रेशन देख पाते हैं, बट ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जिसमें वो वाइब्रेशन बहुत ही माइन्यूट होते, छोटे होते, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पे हम लोगों को थ्री थिंग्स लर्न करना है, ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। यू मस्ट हैव सीन द चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन ए स्विंग इन अ गार्डन। हमने ज़रूर जो है गार्डन में चिल्ड्रेन लोगों को स्विंग पर खेलते हुए देखा होगा। ऑब्जर्व केयरफुली द मोशन ऑफ द स्विंग, गो टू ए स्विंग एट रेस्ट इन द गार्डन एंड मार्क इट पोजिशन ऑन द ग्राउंड बिलो। अब इसके बाद क्या करो, जो स्विंग रुका हुआ है उसके रुके हुए स्विंग को गार्डन में ऑब्जर्व करो और उसके ज़मीन के नीचे मार्किंग करो। क्या करना है, उस स्विंग पे जहाँ पे हम बैठते हैं उसको क्या करना है, ज़मीन पे मार्क करना है। यू कैन कॉल दिस मार्क द सेंट्रल पोजिशन ऑफ द स्विंग, और उस मार्किंग को हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल पोजिशन ऑफ द स्विंग। नाउ पुल द स्विंग टू वन साइड, अब स्विंग को एक तरफ खींचो एंड लेफ्ट इट टू गो, और उसको फिर क्या करो, जाने दो। ऑब्जर्व हाउ इट स्विंग, अब क्या करो, ऑब्जर्व करो कि कैसे ये स्विंग हो रहा है, कैसे ये स्विंग होता है। द स्विंग विल बी सीन टू क्रॉस द सेंट्रल पोजिशन अगेन एंड अगेन एज इट मूव्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर ऑफ इट स्विंग। अब जब तो स्विंग विल बी सीन क्रॉस द सेंट्रल पोजिशन अगेन एंड अगेन एज इट मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर ऑफ इट स्विंग। जब स्विंग एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो अपने मेन पोजीशन से पास होता है, उसको बार बार क्या करता है, क्रॉस करता है। ए स्विंग दैट मूव बैक एंड फोर्थ लाइक दिस इज एन ऑसिलेटर। तो इस तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने मेन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, अपने मेन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे मोशन करता है, उसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, जो वॉल क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो अपने मेन पोजीशन से, अपने मेन पॉइंट से बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है ऑसिलेटर का। व्हेन द स्विंग मूव्स फ्रॉम द वन एंड टू द अदर एंड रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज सेड टू बी हैव द कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। When swing is brought to any position and then it is left and again it come to its original position, then it is said that its one oscillation is completed. It is said to have the completed one oscillation. The back and forth motion of an oscillator on either side of the central position is called the oscillatory motion. अब इस तरह का बैक एंड फोर्थ मोशन जो है ऑसिलेटर का, उसके सेंट्रल पोजीशन से ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। किस तरह का मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ओके, देखो यहाँ पे ऑसिलेशन ऑफ द स्विंग, स्विंग का ऑसिलेशन है, ये झूला, झूला है, झूला जो है उस सपोर्ट से टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, और उसके बाद में ये गर्ल्स क्या कर रही है,
झूल रही है। टेक एन एम्प्टी पोर्सलिन बाउल और एन एम्प्टी स्टील ग्लास। अब क्या करना है आपको, एक खाली पोर्सलिन कटोरी लेना है और या तो एम्प्टी स्टील की ग्लास या तो क्या है पानी पीने वाला ग्लास स्टील का लेना है। स्ट्रेच ए रबर बैंड एंड फिक्स इट ऑन द बाउल और ग्लास एज शोन इन द पिक्चर। अब इसके बाद में आपको एक रबर बैंड लेना है, रबर बैंड लेकर उसको जैसे इस फिगर में शो किया है वैसे आपको स्ट्रेच करना है। ओके, स्ट्रेच करके इस तरह से फिक्स करना है जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, बाउल पे लगाया हुआ क्या है ये रबर बैंड। नाउ गिव ए जर्क टू द रबर बैंड। अब इसके बाद रबर बैंड को थोड़ा सा जर्क दो, थोड़ा सा पुल करके उसको यस लेफ्ट कर दो। रिपीट दिस एक्शन अप्लाइंग ए स्मॉलर और ग्रेटर फोर्स। अब इसके बाद में इस एक्शन को अप्लाई करो विथ स्मॉलर एंड ग्रेटर फोर्स, विथ स्मॉलर और ग्रेटर फोर्स। ओके, अब इसी एक्शन को क्या करना है, स्मॉलर फोर्स के साथ या ग्रेटर फोर्स के साथ में अप्लाई करना है। वाइल डूइंग दिस ऑब्जर्व द फारदेस्ट डिस्टेंस टू विच द रबर बैंड इज स्ट्रेच। अब ऑब्जर्व करो कि सबसे ज़्यादा फारदेस्ट डिस्टेंस टू विच द रबर बैंड इज स्ट्रेच, सबसे ज़्यादा लेंथ वो कौन सी है जितना हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। द नोट ऑफ द साउंड जनरेटेड, टेक नोट ऑफ द साउंड जनरेटेड। वेन द रबर बैंड इज स्ट्रेच एंड रिलीज इट वाइब्रेट्स। जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं और उसको रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो वाइब्रेट होता है। कंपेयर द वाइब्रेशन विद द फिगर अलोंग साइड। अब जो उस वाइब्रेशन को जो बाजू में दिया हुआ डायग्राम है उससे कंपेयर करो। व्हेन द रबर इज स्ट्रेच फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ए। अगर हमने रबर बैंड को ए पोजिशन से स्ट्रेच किया ए से लेकर कहाँ तक स्ट्रेच किया बी तक। ऑन स्ट्रेचिंग द रबर इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। अब ए से बी तक हमने उसको स्ट्रेच किया और इसी मैक्सिमम स्ट्रेच को ही हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। व्हेन अ ग्रेटर फोर्स, अब सपोज यहाँ पे हम पुल कर रहे हैं तो ये हम इसको कितना ऊपर तक पुल कर रहे हैं, ठीक है समझो यहाँ तक गया ये, तो यहाँ तक पहुँचा तो क्या होगा ये इसी डिस्टेंस को मेन पोजीशन से जो हाईएस्ट स्ट्रेचिंग की जो पोजीशन है उसी डिस्टेंस को उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। When a greater force is applied to the rubber, it stretches farther, meaning that amplitude increases. अगर हम और ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे तो रबर बैंड को और ज़्यादा डिस्टेंस तक हम मेन पोजिशन से उसके क्या है और ज़्यादा डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर सकते हैं। इसका मतलब कि फोर्स अप्लाई करके हम एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन रिलीजिंग इट, अब उसको रिलीज करते ए लाउडर साउंड इज जनरेटेड। तो जब हम उसको रिलीज करेंगे तो पहले के कंपेयर में और ज़्यादा लाउड साउंड क्या होगा जनरेट होगा। इट मीन्स द इफ द एम्पलीट्यूड इज द हाइयर द लाउडनेस विल बी मोर, कि जब लाउडनेस क्या होगा ज़्यादा होता तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता या एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता तो लाउडनेस उस साउंड की ज़्यादा होती है। When a smaller force is applied, rubber is stretchless. और जब कम फोर्स लगाते हैं तो वो रबर क्या होती है कम स्ट्रेच होती है। देन एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर, जब कम स्ट्रेच होती है तो उसकी एम्पलीट्यूड कम होती है और सॉफ्ट साउंड, और उसके बाद हम लोगों को ये क्या है सॉफ्ट आवाज़ मतलब कम वॉल्यूम की आवाज़ हमको सुनाई देती है। टेक ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड, अब क्या करना है आपको एक क्या है स्ट्रॉन्ग थ्रेड लेना है अबाउट हाफ ए मीटर लॉन्ग और लगभग लगभग आधा मीटर लंबा। टाई ए स्मॉल आयरन और वुडन बॉल टू इट, और उसमें आयरन या वुडन की बॉल को टाई करना है बांधना है। एंड सस्पेंड इट फ्रॉम द सपोर्ट, और उसके बाद जैसे यहाँ पे हुक का सपोर्ट है उस हुक में इसको सस्पेंड करना, सस्पेंड करना मतलब हैंग करना लटकाना है। सच एन ऑसिलेटर इज कॉल्ड पेंडुलम, तो ऐसे ऑसिलेटर को हम क्या बोलते हैं पेंडुलम। गिव एन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ टू द पेंडुलम, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजिशन ए
ऑफ पेंडुलम एंड एक्सट्रीम पॉइंट बी और सी इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। अब इस पेंडुलम का जो मीन पोजीशन है ए है। अब इस मीन पोजीशन से हाईएस्ट जो है वाइब्रेशन की जो डिस्टेंस है वो बी पॉइंट है या ए से लेकर सी तक है। तो दिस मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेशन, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेशन है दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। इन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। अब इस फिगर में ए बी और क्या है ए सी इक्वल है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, ए स्ट्रेच रबर रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट व्हेन इट इज रिलीज। रबर बैंड जो है उसको रिलीज करने के बाद, स्ट्रेच वाले रबर बैंड को रिलीज करने के बाद वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी और इसी को हम क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी। व्हेन ए स्ट्रेच रबर है बैंड वाइब्रेट, व्हेन ए स्ट्रेच रबर बैंड वाइब्रेट इलास्टिसिटी इज एट वर्क। जब स्ट्रेच करते हैं रबर बैंड को हम हैंड से तो इलास्टिसिटी वहाँ पे फोर्स अप्लाई करती है। ऑल द वाइल दैट पेंडुलम ऑसिलेट अर्थ ग्रेविटेशन इज एट वर्क। अब जो पेंडुलम वाइब्रेट होता है उसके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशन काम करता है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रिक्वेंसी, अब नेक्स्ट पॉइंट का देखना हम लोगों को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इन प्रीवियस वन वी व्हाट वी हैव सीन व्हाट इज द वन ऑसिलेशन, तो द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजिशन ओके टू एक्सट्रीम पॉइंट एंड फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन इज कॉल्ड द ऑसिलेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं वन ऑसिलेशन। द टाइम रिक्वायर्ड बाई एन ऑसिलेटर टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब एक ऑसिलेशन कम्प्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसी को उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ऑसिलेशन पीरियड क्या होगा अलग अलग होगा। इन द प्रीवियस एक्टिविटी द ऑसिलेटर ट्रांसवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट बी टू सेंट्रल पोजिशन ए एंड फ्रॉम देयर टू द पोजिशन सी देन द बैक अगेन टू ए एंड फ्रॉम ए टू बी द टाइम रिक्वायर्ड बाई ऑसिलेटर टू ट्रेवल द डिस्टेंस बी ए सी ए बी इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो जब ये ऑसिलेटर जो है अपने उस ओरिजिनल पोजिशन से मूव होकर वापस से जब अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है तो उसको ये कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय एन ऑसिलेटर इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और एक एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट होता है उसी को उसकी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी, ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑकरिंग इन वन मिनट सॉरी वन सेकेंड, एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है उसी के नंबर को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द एस आई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, और एस आई यूनिट जो फ्रीक्वेंसी का है वो वर्ड हर्ट्स है। हर्ट्स मीन्स देयर इज वन ऑसिलेशन इन वन सेकेंड, वन हर्ट्स का मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन एक सेकेंड में हो रहा है। हंड्रेड हर्ट्स मीन 100 ऑसिलेशन वन सेकेंड, 100 ऑसिलेशन एक सेकेंड में होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 हर्ट्ज। अगर एक ही ऑसिलेशन एक सेकेंड में होगा तो हम क्या बोलेंगे 1 हर्ट्ज। ट्राई दिस, अब हम लोगों को क्या है ये देखना, ट्राई दिस बट बिफोर इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी देन आई विल कंटिन्यू ऑन टुमारो। Okay, student, do you want to ask anything? किसी को कुछ पूछना है student? किसी
किसी को कुछ नहीं पूछ रहे हैं। ओके नाउ आई एम एंडिंग द